वहीं दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कंट्रोल रूम सेक्टर 6 के सामने अपनी टीम के साथ सीट बेल्ट व हेलमेट चेकिंग की कार्यवाही की और बिना सीट बेल्ट व हेलमेट लगाए लोगों पर कड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें एक बाइक में चार लोग बैठकर वाहन चलाने वाले नाबालिग लड़कों को रोककर समझाइश भी दी गई। वहीं एक व्यक्ति खुद को डीएसपी का पुत्र बताकर बिना हेलमेट वाहन चला रहा था, उसकी भी दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने चालान कटवाया। दुर्ग एसपी का कहना है कि शहर में हेलमेट पहनने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या दुर्ग एसपी शहर के सभी जनता के सिर पर हेलमेट पहना पाते हैं। लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जो है ग्राउंड पे जो है चेक किया जाता है। हमारे अधीनस्थ जो है डीएसपी रैंक के अधिकारी टीआई लगातार थाना लेवल पे चेकिंग कर रहे हैं। लगातार अंडा रोड, धमधा रोड और पाटन रोड पर डेली रात पे चेकिंग की जा रही है। उसी का फ़ायदा है कि पिछले एक हफ्ते में एक्सीडेंट की संख्या काफ़ी कम हुई है। ड्रंकन ड्राइविंग पे लगातार रात में कार्रवाई हो रही है। आज सेक्टर 6 के सामने जो है सीट बेल्ट और हेलमेट की चेकिंग हुई। काफ़ी नाबालिग भी देखे गए, एक बाइक में चार लोग बैठ के बिना हेलमेट के आ रहे हैं। काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग अलग से चिप लगा के सीट बेल्ट को ब्लॉक कर रहे हैं जिससे सायरन ना बजे। कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। आज भी समझाइश दी गई, एक लड़का जो है वो अपने खुद को डीएसपी का पुत्र बताकर जो है वो बिना हेलमेट के घूम रहा था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कानून सबके लिए बराबर है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। जो हेलमेट पहनने वालों की संख्या है वो बढ़ी है, पहले 10% से कम थी, अब आज देखा गया कि 25 से 30% लोगों को पहन रहे थे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा निश्चित रूप से उसकी संख्या भी बढ़ेगी, और जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट की गंभीर धाराओं में आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी।